अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ की खूबसूरती देख रही हूँ, महसूर हो रही हूँ उस खूबसूरती से। नेचर मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितने खूबसूरत ये फूल सब लग रहे हैं, सदाबहार के फूल। क्यों ना हम आज सदाबहार के फूलों की पेंटिंग बनाते हैं, आप गौर से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी मैं, यहाँ तक कि बच्चे भी बना सकते हैं। ये पेंटिंग मेरी बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीका है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और आसानी से बना सकेंगे। आपको हर चीज़ का मैं इसमें बताऊंगी, किस तरह से आपको मिक्सिंग करनी है कलर की, और किस तरह से स्टार्ट करना है आपको, और कैसे पेंटिंग को कंप्लीट करना है। आप देखिएगा और मुकम्मल वीडियो को देखिएगा और पेंटिंग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। कलर मैं यूज़ करती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। चंद ब्रशेस लिए हैं मैंने और कुछ कलर्स लिए हैं। यूज़ करते वक्त आपको तमाम कलर्स का भी बताती जाऊंगी और ब्रशेस का भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर लेके इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है और 1% पानी ऐड करके इसे कैनवस शीट पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इस पेंटिंग के लिए एक्रिलिक पेंट लिए हैं, आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, उसमें भी बहुत अच्छा लुक आएगा। आप ट्राई कीजिएगा पोस्टर कलर से अगर आपके पास एक्रिलिक पेंट नहीं है तो। इसकी बेस बनाने के बाद मैंने ग्रीन कलर से लीफ बनाने शुरू कर दिए हैं, और जब मैंने ग्रीन कलर से काफ़ी लीफ्स बना लिए तो इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर और ऐड करके फिर लीफ बनाना शुरू कर दिए हैं। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। कुछ लीव्स और बना के मैंने फिर और मज़ीद इसमें येलो कलर ऐड किया है, दोबारा से फिर लीफ बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लुक आ रहा है, इसमें लाइट एंड डार्क ग्रीन लीफ नुमाया नज़र आ रहे हैं। शेडिंग के लिए मैंने वाइट कलर यूज़ किया है इसमें और बारीक ब्रश लिया है 0 नंबर का, और सारी लीव्स मैंने इसी ब्रश से बनाई है। फ्लावर बनाने के लिए मैं रोज़ पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, इससे मैंने फ्लावर्स की बेस बनाई है। बेस बनाने के बाद अब मैं लाइट पर्पल कलर यूज़ करूँगी, फ्लावर्स के ऊपर पेटल बनाती जाऊँगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद लाइट करने के लिए मैंने इसमें वाइट कलर मिक्स किया है। फ्लावर्स के सेंटर में वाइट कलर से शेडिंग दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पेंटिंग की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। तो लीजिए जनाब, हमारी पेंटिंग कंप्लीट है, ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी पेंटिंग। उम्मीद है आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा, तो फिर लाइक तो बनता है ना मेरी पेंटिंग के लिए, ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज़ के बारे में होनी चाहिए।